सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा, आज की इस पोस्ट में भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जो कोई भी करे तो उसको निसंदेह लाभ होगा। लाल किताब के कुछ फरमान आपके साथ साझा करूंगा जिससे आपको अवश्य लाभ होगा। वो जो चीजें मैं बताऊंगा आप अपने जीवन के साथ उसको मिलाप करके वो उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। लाल किताब में कुछ फरमान है कि बीमारी का दवा का इलाज है मगर मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवा खुदाई नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि लाल किताब या कोई भी ज्योतिष जादू नहीं है, अपितु बचाव और रूह की शांति के लिए है। लेकिन किसी दूसरे के ऊपर हमला करने का जरिया नहीं है। हाँ, अगर हमारे भाग्य के मार्ग में कोई ईंट या पत्थर फेंक कर उस मार्ग को रोकने की कोशिश करे तो लाल किताब के उपाय उस पत्थर ईंट को वहां से हटाकर आपके मार्ग को प्रवाहवान करने में आपकी मदद कर सकती है। लाल किताब अपनी बरकत से व्यक्ति और जुल्म करने वाले शेर के बीच एक गैबी ईश्वरीय यानी कि अदृश्य दीवार खड़ी कर सकती है जिससे वो शेर उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता। अगर शेर ऊंची छलांग लगाकर भी हमला करने की कोशिश करेगा तो लाल किताब उस दीवार को और ऊंचा उठाती चली जाएगी जिससे कि शेर थक हार कर हमला ना करने का विचार बनाकर वहां से हट जाएगा और उस व्यक्ति विशेष को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लाल किताब का आधार उपचार ही इलाज है। ज्ञानवान व्यक्ति कष्टों से मुक्ति पाने के लिए लाल किताब का सहारा अवश्य लेते हैं। लाल किताब के प्रायोजिक अध्ययन के इच्छुक उस पर्दे को उठाने के अभिलाषी होते हैं जिसके पीछे व्यक्ति की तकदीर पड़ी है। लाल किताब में भविष्य कथन की क्षमता विद्यमान है, लेकिन पर्वती ही बलवान होती है। उसके बिना कोई भी भविष्य कथन करना असंभव ही हो जाता है। लाल किताब के उपाय की अगर मैं शब्दों में बात करूं तो ये आपके जीवन चिंतन और सत्य के फलादेश करने में बहुत ज्यादा सक्षम मानी जाती है। लाल किताब का ज्ञाता पल भर में ही अपनी बुद्धि से फलादेश करके व्यक्ति विशेष के जीवन की सारी घटनाओं का विवरण कर सकता है। लाल किताब हस्तरेखाओं के द्वारा कुंडली में उदय और बलवान होते हुए ग्रहों का संक्षेप आपको बता सकती है। मेरा मानना यह है कि अंधेरे में तो व्यक्ति का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन लाल किताब के उपाय, भविष्यवाणियां और इसका फलादेश कभी भी उस व्यक्ति का दामन नहीं छोड़ता। तो आपसे ये बात इसलिए मैंने साझा की है कि लाल किताब के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो आपकी समस्याओं का बहुत जल्द से जल्द समाधान कर सकती है, लेकिन अगर मेरे मन में उस उपाय को करने के लिए कोई भी संदेह ना हो। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने साथ चीजों को जोड़कर अपने जीवन से जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो आप कर सकते हैं। जिस जातक के मन में हर वक्त परेशानी ही रहती है तो उसकी कुंडली राहु से पीड़ित है। ऐसे में हाथों में राहु निर्बल, मंदा या जाला होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? अगर ऐसी परिस्थिति में आप हर शनिवार, चार शनिवार खोटे सिक्के जो प्रचलन में नहीं होते वो अगर आप जल प्रवाह करें तो आपको निसंदेह लाभ होगा, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। अगर कोई जातक अपनी पुत्र से परेशान हो, उसके चाल चलन से परेशान हो तो आपकी कुंडली में आपका केतु आपको बहुत ज्यादा हानि दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर के निचले हिस्से में भी पीड़ा हो सकती है।
तो ऐसे में वो जातक क्या करे? ऐसे में आपको काला सफेद कंबल धर्म स्थान में देना चाहिए, सतनाजे की रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए, और चांदी का छल्ला आपके अपने दाएं हाथ के सबसे बड़ी उंगली में डालना चाहिए, धारण करना चाहिए। इससे आपको निसंदेह लाभ होगा, ये आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप दिल के मरीज हैं तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आपकी कुंडली में चंद्र आपका बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसे में चंद्र रेखा सीधी नहीं होगी, आड़ी टेढ़ी होगी या जालेदार होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको 12 साल से छोटी कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र देने चाहिए और हरे रंग की सब्जियां खरीद कर धर्म स्थान में देनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, ये आप खुद करके देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपको अपने निर्णय लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, अगर आप घर से कहीं काम के लिए जाते हैं, वहां ना पहुंचकर कहीं और पहुंच जाते हैं, आप व्यर्थ के कार्यों में लिप्त होकर अपना दिन या समय खराब कर रहे हैं, तो आपका निसंदेह बुध खराब हो चुका है, जो आपके कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं दे रहा, लेकिन बेवजह आपका समय खराब कर रहा है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि बुध रेखा आयु रेखा की तरफ जा रही होगी, वो भी टूट टूट कर। ऐसी स्थिति में भी आपको अपना बुध मजबूत कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर शनि और सूर्य का साथ लिया जाए तो बुध आपका अवश्य ठीक हो सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो इसमें क्या किया जाए? सूर्य हमारी पाठशाला, बुध छोटी कन्या, और शनि का समान अगर छोटी कन्या को दिया जाए जो स्कूल में पढ़ रही हो, तो आप उनको जूते और जुराब दे सकते हैं। इससे बुध आपका मजबूत होगा, जिससे आपके व्यर्थ के कार्य खत्म होकर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी की कुंडली में सूर्य कैसे खराब होगा, वो ये कैसे जान सकते हैं? उसके पिता के साथ विरोध होगा, उसके सरकारी कामों में उलझन होगी, उसका कोई भी सरकारी काम जल्द से जल्द नहीं होगा, उसके घर में सूर्य की रोशनी सीधी पूरब से नहीं आती होगी, पूरब उसका अवरुद्ध होगा। तो ये चीजें सूर्य खराब होने की निशानी होती है। उसकी स्टडी ब्रेक होगी, उनके घर में किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि आपका सूर्य खराब है या सूर्य के साथ राहु का गुण योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में सूर्य हमारा खराब होता है। तो सूर्य को मजबूत कर किया कैसे किया जा सकता है? सूर्य को तांबे के गिलास में गुड़ डालकर सूर्य अर्घ देने से बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा। सूर्य को अर्घ देने का एक नियम है, सूर्य को जब हम नियम दें जल दें तो उसमें आपकी जो जल की धारा है वो सूर्य के बीच में से होके आनी चाहिए, और जिस दिन से आपको सूर्य में सात रंग नजर आने शुरू होंगे तो सूर्य देव की कृपा, आप समझे कि आपके ऊपर कृपा उनकी हो चुकी है, क्योंकि वो सात रंग जो दिखेंगे वो सूर्य देव के सात घोड़े हैं, जिस सात घोड़ों के रथ पे ऊपर बैठकर वो समय को चला रहे हैं। तो ये आप करें, आपको निसंदेह लाभ होगा। अब जिनकी कुंडली में बृहस्पति मंदा निर्बल नीच राशि में, और जो शनि का जो बृहस्पति का स्थान, हमारी जो ये पहली उंगली है हाथ की, ये देवगुरु बृहस्पति की है, इसका निचला भाग अगर उभरा ना हो तो निसंदेह आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर में किसी भी धातु की बनी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हाँ, कागज का बनी हुई आप तस्वीर रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हानि होने के योग बनेंगे, इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। कईयों के घर में अंधेरी कोठरी का निर्माण हुआ होता है, और ये कई सालों से होता है, पूर्वजों से। ये कई कई घर मैंने ऐसे देखे हैं, 50-50 साल पुराने घर देखे हैं जिनके अंदर अंधेरी कोठरी स्थापित होती थी, जिसमें घर के बुजुर्ग अपना कीमती सामान या कोई घर का राशन बादाम वगैरह रखते थे। तो ऐसी कोठरियों में कभी भी सूर्य की रोशनी ना आए तो आपके लिए हानि नहीं होगी। अगर जिस दिन आपने इससे सूर्य की रोशनी ली तो आपका सूर्य शनि का टकराव हुआ तो घर पे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जो हम नहीं सोचते। तो ऐसी कोठरी अगर हो और घर का निर्माण करना हो तो कैसे किया जाए? पहले तो ऐसी कोठरी के ऊपर एक छत डाली जाए, वो छत का निर्माण करने के बाद निचली छत तोड़ी जाए, फिर आपको लाभ होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो उसको तो उसका आपके ऊपर कोई कठिनाई नहीं होगी। इस चीजों का भी हम ध्यान रख सकते हैं, ये ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। अब शनि कैसे खराब होता है ये मैं देखना आपको बताना चाह रहा हूँ। शनि कर्म स्थान के मालिक हैं, शनि नौकरी के भी कारक हैं,
शनि लेबर क्लास के लोगों के भी कारक हैं, शनि हमारी रोजमर्रा के इनकम के भी कारक हैं। सप्तम भाव तुला राशि के में शनि हो चुके हैं, ये व्यापार का भी कारक है। तो यहाँ पे जिस जो लोग गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, गुस्से में आकर मारधाड़ करते हैं, उनका शनि खराब होता है, ये आप ध्यान रखें। किसी भी असहाय लोगों के ऊपर कभी भी हमें अपना रोब नहीं दिखाना चाहिए, इसे शनि खराब की निशानी होती है, तो इन चीजों का हम जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो कई बार मकान बनाते बनाते दीवार गिर जानी, ये शनि खराब की निशानी है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप शनि देव की, आपकी कुंडली में शनि आपको जरूर परेशान कर रहे होंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी जरूरतमंद को चप्पल काला छाता दे सकते हैं, आप घर से बनाकर खाना और उड़द की दाल ये आप गरीबों को खिला सकते हैं, भाइयों को खिला सकते हैं, अंधों को खिला सकते हैं। इससे आपका शनिदेव बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रबल होंगे। आप अगर मांस मदिरा कर रहे हैं तो उसमें मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार का परहेज बिल्कुल करें, इससे भी आपको लाभ होगा। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ों के साथ हम अपने ग्रह ठीक कर सकते हैं जिससे हमें बहुत लाभ होगा। तो आज की इस पोस्ट में मैं आपको जो कुछ उपाय लाल किताब के बताए हैं, मुझे लगता है कि ये करने से आपको बहुत लाभ होगा, तो ये पोस्ट भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह मैं फिर अगली पोस्ट में फिर आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियां लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।